हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या अपने दोस्त को माल बनाना चाहते हैं? आपके पास भी कोई जीएफ नहीं है और आप फोटो मतलब लड़की के साथ लगाना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए ओरिजिनल फोटो। सबसे पहले देखिए ये लड़का है, मेरा दोस्त है, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई इसको देखिए कैसे माल बना दिया हूँ, मतलब भाई अपना जीएफ बना दिया हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप भी कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। और अच्छे तरीके से बताऊँ मेरे भाई कि आप अपने दोस्त को माल एंड इतने अच्छे तरीके से फोटो को एडिट कैसे कर पाएंगे। तो मेरे भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मेरे भाई बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो सबसे पहले मेरे भाई देख लीजिए ओरिजिनल वाला फ़ोटो ले लीजिएगा एंड ओरिजिनल वाला फ़ोटो लेकर स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए टूल्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। टूल्स के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको एक क्रॉप का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। क्रॉप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड इसका रेट आउट चेंज कर देना है। तो मेरे भाई देखिए अभी यहाँ से इसका रेट आउट चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से डन कर दूँगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए, वहाँ से रेट आउट अगर आपका चेंज नहीं होता है मेरे भाई, तो उसके बाद आप यहाँ पर रेट आउट का ऑप्शन होगा, इसलिए आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ नीचे के साइड रेट आउट का ऑप्शन होगा, देखिए मेरे भाई दिखा देता हूँ, यहाँ पर इजली यहाँ से आप रेट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे रेट आउट कर लीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा एंड अब की बार क्या करना होगा ना मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको टूल इमेज दिख रहा होगा, टून इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है मेरे भाई। उसके बाद ऐसे स्क्रॉल करके जाना है एंड एम्बेनियस, इसका एम्बेनियस क्या करना है ना 50% बढ़ा देना है एंड यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई फिर टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिएगा तो डिटेल का ऑप्शन आएगा मेरे भाई। सब कुछ मैं बताऊँगा अपने दोस्त को माल कैसे बनाना है एंड भोकाल तरीके से माल, अच्छा माल बनाना है, ठीक है ना, एकदम बवाल जो मार करा दे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्लिक करके मेरे भाई इसका क्या करना है, शार्पनेस को बढ़ा देना है एंड डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई अगर आप चाहे तो थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर यहाँ से सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ब्राइटनेस दे सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ से चलिए थोड़ा सा हम दे लेते हैं, तो इतना पे दे लीजिएगा, डन मेरे भाई। अब क्या करना है तो अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना है, क्योंकि अब बारी आती है अपने दोस्त को माल बनाने की, ठीक है ना। एंड माल बनाने के साथ साथ सब कुछ मैं बताऊंगा मेरे भाई अच्छे तरीके से आप अपने फोटो को एडिट कैसे कर पाएंगे एंड स्मूथ कैसे कर पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में अच्छे तरीके से सजेस्ट करूंगा मेरे भाई। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देना होगा, कहाँ पे, तो फेस ऐप एप्लीकेशन में। तो चलिए फटाफट से हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं एंड किस तरीके से एंड अच्छे तरीके से किस तरह आपका दोस्त माल बनेगा सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा मेरे भाई, और इसी ऐप में करके दिखाऊंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले ऐसा आएगा, तो जिसको भी माल बनाना होगा, जैसे मेरे को ये दोस्त है इसको माल बनाना है, तो इसके फेस के ऊपर क्लिक करके फाइनली से ऐसे आएंगे आ जाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा ना, तो आपको एक जनरल का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है मेरे भाई, जनरल के ऊपर। उसके बाद मेरे भाई तीन नंबर पे आएगा एक फीमेल का ऑप्शन, ठीक है ना, फीमेल टू के ऊपर आप क्लिक कर देना है मेरे भाई। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका दोस्त देखिए कुछ चंद मिनटों में मेरे भाई आपका दोस्त माल बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, देखिए मेरे भाई मेरा नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इसके वजह से थोड़ा लोडिंग ले रहा है। देखिए मेरे भाई कुछ इस तरीके से आपका दोस्त माल बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके हाथ के ऊपर आ गया होगा तो ऊपर के साइड देख लीजिए मेरे भाई, जहाँ पर भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट पे आ गया होगा तो यहाँ से इरेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ इरेज के ऊपर क्लिक करना है एंड अच्छे तरीके से ऐसे इरेज कर लेना है, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर इधर ज़्यादा फालतू हो जाता है तो आप पेंट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ अपने हाथ के ऊपर से, क्योंकि हाथ पे आया तो बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखेगा, आपको पता ही होगा। डन मेरे भाई, यहाँ से अप्लाई कर देंगे, उसके बाद यहाँ से भी अप्लाई कर देंगे। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा ना, तो ऐसे आना होगा यहाँ पर, देखिए मेकअप। अब आपको क्या करना, अपने दोस्त को थोड़ा मेकअप कर लेना है, ठीक है ना, कि अच्छे तरीके से दिखे आपका दोस्त माल के जैसा। यहाँ मेकअप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, ये वाला जो मेकअप होगा ना दूसरे नंबर पर, इस वाले मेकअप को आप जैसे ही अप्लाई कीजिएगा ना, तो थोड़ा सा आपको डिफ़ॉल्ट पड़ेगा, लेकिन उतना आपको समझ में नहीं आएगा, मैं दिखा रहा हूँ मेरे भाई। तो देखिए ऐसे थोड़ा सा आपको डिफ़ॉल्ट पड़ेगा, आप देख लीजिए मेरे भाई पहले कैसा था और अब कैसा है, देख लीजिए थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट आ गया मेरे भाई। डन, यहाँ से कर देंगे डन। उसके बाद मेरे भाई क्या करेंगे ना, इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे।
सेव करके मेरे भाई लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई इस वाले प्रीसेट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे भाई, आप लोग इजीली वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद मेरे भाई यहां देखिए थ्री डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड यहां पर देखिएगा तो आपको एक कॉफी सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, कॉफी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, फिर से इस फोटो पे अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। ये वाला जो ओरिजिनल वाला आपका फोटो होगा उसके ऊपर आपको पेस्ट कर देना है। तो देखिए वन क्लिक में कुछ इस तरीके से हमारा फोटो बन जाएगा, बट मेरे भाई उतना झकास तरीके से नहीं दिख रहा है एंड अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा हमारा फोटो। तो ईजिली क्या करेंगे ना मेरे भाई, तो इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद मेरे भाई बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद इस फोटो को यहाँ से डिलीट कर देंगे और फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेंगे। यूजर लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेने के बाद मेरे भाई इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है एंड मेरे भाई मेन खेला जो होता है ना अभी यहीं पे आपको दिखेगा कि आपके फेस के ऊपर एंड बैकग्राउंड के ऊपर चमक कैसे आता है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखेगा तो आपको लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, लाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसका एक्सपोजर जो होगा ना मेरे भाई थोड़ा सा इतना बढ़ा देना आप जितना वाइट रखना चाहे। उसके बाद इसका कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर देना है एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम कर देना है, देख लीजिए इतना, एंड शेडो को बढ़ा देना है एंड वाइट बैलेंस को कम और वाइट बैलेंस एंड ब्लैक को पूरा कम कर देना है इतना पे। देखिए आप जितना चमक देना चाहे उतना कम कर लीजिएगा, देख लीजिए डन। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ जस्ट कलर्स के ऊपर क्लिक करना है एंड मिक्स के ऊपर क्लिक करना है एंड सेकेंड वाला कलर को सिलेक्ट करके इसका सेचुरेशन कम एंड लुमिनस को बढ़ा देना है। आप जितना वाइट रखना चाहे इजिली आप रख सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई इस फोटो को क्या करेंगे, यहाँ से शेयर कर देंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिएगा तो आपको एक रिमूव का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो फाइनली जो फेस ऐप का लोगो होगा मेरे भाई यहाँ से इजिली आप रिमूव कर लीजिएगा। रिमूव हो जाने के बाद मेरे भाई सही के निशान पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या होगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा तो इफेक्ट, आपको इजिली इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। इफेक्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर देखिएगा ना, तो रिफ्लेक्स के बगल में आपको एक कलर दिख रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पर मेरे भाई रिफ्लेक्स के बगल में आपको ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है एंड क्या करना है उसको आपको बैकग्राउंड के ऊपर रख देना है। देख लीजिए यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई ऊपर के साइड देखिएगा तो आपको एक इरेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इरेज के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई और ऐसे स्क्रॉल करके आना है एंड यहाँ पर देखिएगा तो आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है एंड बैकग्राउंड कर लेना है। उसके बाद मेरे भाई आप चाहे ना तो जो मन कलर आपको जो पसंद आए, मतलब जो भी अच्छा लगता है कलर, यहाँ से आप ह्यू देखिए इस कलर के ऊपर एक बार और क्लिक करके यहाँ पर ह्यू के ऊपर क्लिक करके इजिली आप जो कलर आपको पसंद है वो कलर आप इजिली यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। मान लीजिए मेरे को ये कलर पसंद आया तो ये कलर रख लिया, ये कलर पसंद आया तो ये मान के चलिए मैं एक कलर रख लिया, ठीक है ना मेरे भाई। और मेरे भाई अगर आप फेस स्मूथ करना नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जो एंड में आपको वीडियो दिख रहा है मेरे भाई, इस वीडियो में से कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, फेस स्मूथ करना आ जाएगा। उसके बाद फेस स्मूथ इजिली कर लीजिएगा मेरे भाई। तो थैंक यू मेरे भाई, इस वीडियो को यहीं पे हम